हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो चले गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है स्पीकर के बारे में। तो आप भी यूज करते हो लैपटॉप, लेकिन इस लैपटॉप में आपको स्पीकर को कनेक्ट करना है। तो गाइस, उसमें आसान तरीके कनेक्ट भी कर सकते हो और वहां से आपको लैपटॉप में स्पीकर को प्ले करना है तो गाइस उसमें प्ले भी कर सकते हो। तो चले गाइस, अभी देख सकते हैं कि हमारे पास छोटा स्पीकर है मिनी, तो अभी देख सकते हैं। लेकिन इस स्पीकर है तो इस स्पीकर को वास्तव में लैपटॉप में कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ तो उसमें कैसे कनेक्ट करते हैं और लैपटॉप में आपको स्पीकर कैसे प्ले कर सकते हो। तो चले गाइस, इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर दे। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो चले गाइस, हमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे हमारा न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चले गाइस, हमें वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले गाइस, आपको आ जाना है लैपटॉप में और लैपटॉप में आने के बाद आपको स्पीकर लेना है। तो चले गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास छोटा स्पीकर है। तो चले गाइस, वास्तव में इस स्पीकर को लैपटॉप से कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ और प्ले करके भी बता देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो हमारा लैपटॉप है तो इस लैपटॉप में आपको सबसे पहले स्पीकर को कनेक्ट करना है। तो चलिए गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूएसबी केबल है और एक पिन है, तो इस पिन वहां से आपको लैपटॉप में लगा देना है इस तरफ। तो चलिए गाइस, वहां से मैंने लगा देता हूँ और लगाने के बाद आपको जो यूएसबी केबल है तो इस केबल वहां से आपको लैपटॉप में भी लगा देना है। तो चले गाइस, वहां से मैंने दोनों पिन वहां से लैपटॉप में लगा दिए, तो इस तरह आपको लगा देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास लैपटॉप है तो इस लैपटॉप से हमें स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद चले गाइस, वहां से मैं इस स्पीकर को प्ले करके आपको बता देता हूँ। तो वहां से मैंने कनेक्ट पिक कर दिया है। तो चले गाइस, वहां से हमारे पास एक सॉन्ग है जो यूट्यूब का नो कॉपीराइट, तो चले गाइस, वहां से मैं इस सॉन्ग को प्ले करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सॉन्ग है तो इस सॉन्ग वहां से मैं लैपटॉप में प्ले कर रहा हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि वहां से मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारा जो साउंड है, साउंड का आवाज अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां से आपको सबसे पहले गाइस आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हैं कि वहां से हमारा जो स्पीकर हमने प्ले किया है, लेकिन अभी तक हमारा कोई आवाज स्पीकर में नहीं आ रहा है। तो चले गाइस, वहां से मैं सेटिंग में जाकर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आपको जाना है साउंड में। तो साउंड में आपको जो वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम वहां से आपको फुल कर देना है। तो चले गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड का ऑप्शन है तो इस ऑप्शन वहां से हमारा जो वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम वहां हमारा कम है, इसलिए वहां हमारा स्पीकर प्ले नहीं हो रहा है। तो चले गाइस, आप देख सकते हैं कि वहां से मैंने वॉल्यूम को फुल कर दिया है। तो चले गाइस, फिर से वहां से मैं सॉन्ग को प्ले करके आपको बता देता हूँ। तो चले गाइस, वहां से मैं सॉन्ग में जाता हूँ और सॉन्ग में जाके आपको प्ले करके बता देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो इस तरह आपको स्पीकर को कनेक्ट करना है। तो गाइस, उसमें कनेक्ट भी कर सकते हो और वहां से आपको सॉन्ग को प्ले करना है तो इस तरह भी प्ले कर सकते हो। तो चले गाइस, आप देख सकते हैं कि वहां से मैंने स्पीकर को कनेक्ट करके भी बता दिया और सॉन्ग प्ले करके भी बता दिया। तो इस तरह सबसे पहले आपको गाइस, जो भी आपको मिनी स्पीकर है तो इस स्पीकर वहां से आप कनेक्ट करके भी प्ले कर सकते हो। तो चले गाइस, फिर से वहां से मैं प्ले करके आपको बता देता हूँ। चले गाइस, आप देख सकते हैं कि वहां से मैंने प्ले कर दिया है, इस तरह भी प्ले कर सकते हो। तो चले गाइस, वहां से मैं इस पिन को वहां से लैपटॉप से बाहर निकाल देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा लैपटॉप में जो स्पीकर आता है तो इस स्पीकर वहां हमारा प्ले हो गया है। तो इस तरह आपको लैपटॉप का स्पीकर प्ले करना है तो वहां से आप प्ले कर सकते हो। चले गाइस, आप देख सकते हैं कि वहां से मैंने जो छोटा स्पीकर वहां से मैंने लगाया था वहां से मैंने जो दोनों पिन है, इस पिन वहां से मैंने बाहर निकाल दिया है। तो इस तरह आपको जो मिनी स्पीकर है तो इस स्पीकर वहां से आपको लैपटॉप के कनेक्ट करने आपको प्ले करना है तो गाइस, उसमें आसान तरीके कनेक्ट भी कर सकते हो और वहां से आपको जो सॉन्ग को प्ले करना है तो इस तरह आप इस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हो। तो चले गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को